कुख्यात अपराधकर्मी एवं संगठित गिरोह का आपराधिक गिरोह का सरगना अशोक राय जो करीब 15-16 साल से फरार चल रहा था उसको बोकारो पुलिस ने कोलकाता में कल गिरफ्तार करके अभी लाई है। और ये अशोक राय बहुत ही सक्रिय था, उस समय बहुत सारा रंगदारी का केसेस में वांटेड था और उसके बाद कुछ मर्डर केसेस में भी वांटेड था, फिर उसके बाद इधर से भाग के बाहर सेटल हो गया और उधर से बोकारो का जितना इकोनॉमी है जैसे कि टेंडर की काम चल रही है उसमें ये अपना रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था और उसी के दरमियान ही जो है हम लोग अभी कोलकाता में कोलकाता से उसको गिरफ्तार करके लाए। अभी तक का उसके बारे में रिकॉर्ड्स संभालने पर हम लोगों के पास 5 केसेस मिली है, एक बालेडी थाना का रंगदारी केस और बीएससीटी थाना का मर्डर केस है और एक केस चास का है, दो और बीएससीटी थाना का है, सब रंगदारी रिलेटेड केसेस है और इससे पूछताछ किया जा रहा है ताकि इसके साथ कौन कौन और जुड़े हुए हैं और कैसे जो है अंडरग्राउंड में ये लोग अपना इकोनॉमी को सस्टेन करके रखा है और इन सभी गिरोह का पर्दाफाश करने के नियत से बोकारो पुलिस लगी हुई है जो संगठित अपराध का एक नया सेल हम लोग खोले हैं। तो उस संगठित अपराध का सेल का ये पहला अचीवमेंट है। रेलवे ठेकेदार, रेलवे नहीं, वो बीएसएल और सीसीएल का जो आयरन ओर का ऑप्शन होती है उसका ठेकेदार है, उसका टेंडर मैनेज करना और वो जो व्यापारी टेंडर ले रहा है तो उन लोगों से गुंडा टैक्स जो बोलते हैं तो वो सब वसूलना उस टाइप का काम करता है। तो ये धूमल सिंह का गिरोह का सदस्य है और उन्हीं लोगों का साथ संबंध वेरी क्लोज एसोसिएट में रहा। धूमल सिंह के ऊपर बहुत सारा केसेस में वो ऑलरेडी सरेंडर हो चुके हैं और उस पर ट्रायल भी चल रही है और अगर नया केस कुछ प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली बी गुड फॉर दैट।